बैक टू अनदर वीडियो। आज हम मौजूद हैं जेडीसी दस्तरखान पे। जी हाँ, नुमाइश चुरंगी पे जेडीसी का दस्तरखान है। मतलब आते आते हमें लेट हो गया। हम डेली सोचते थे आज जाएंगे लेकिन काम इतने बढ़ जाते थे। तो आज फाइनली आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये एंट्रेंस है और यहाँ पर आप बाइक्स भी देख सकते हैं, बाइक्स खड़ी हैं और रक्षे खड़े हैं। ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि एक रोज़गार स्कीम है। जो लोग बेरोज़गार हैं, मतलब उनके पास पैसे नहीं है, अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, बच्चों की फ़ीस पूरी नहीं कर सकते, उनके पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, ये स्कीम उन लोगों के लिए। आप यहाँ पर आएंगे, अपनी एप्लीकेशन जमा कराएंगे NIC के साथ और जब 27वें रोज़े को जब कुरानदाजी होगी तो आपकी बाइक निकल सकती है और आपका रक्षा निकल सकता है। यानी कि ये सब इसलिए है कि आप बेरोज़गार हैं, आपको रोज़गार मिलेगा, आप बाइक चलाएंगे, आप बाइकें चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फूड पांडा कर सकते हैं और अपने घर का चूल्हा जला सकते हैं। एकदम बैक गाइस, तो अभी हम दस्तरखान के ऊपर पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर कैमरा मैन आपको दिखाए कि पीछे मतलब अफ्तारी का सामान के लिए जो भी सामान अवेलेबल है वो लग रहा है और आज जो डिश में अवेलेबल है वो है तरई, उसके अंदर तिल, गोटा, मसाला, करी, सब चीज़ें शामिल हैं। और साथ ही अगर कैमरा मैन आपको दिखाया तो साथ में आपको जलेबी पकौड़े जो मैक्सिमम मतलब हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। यार मतलब ये जो एक अफ्तारी यहाँ पे कराई जाती है ना, वो एक ट्रेड है, मतलब एक किस्म की तजारत है अल्लाह के साथ। तजारत मतलब अल्लाह से इस तरह है कि मतलब आप दुनिया में तो आप मतलब बहुत से बिजनेस करते हो, उसमें आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, लेकिन अल्लाह के साथ जो आप तजारत करेंगे ना उसमें आपको लॉस तो मतलब हो ही नहीं सकता, उसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और वैसे भी ये रमज़ान और मुबारक का महीना है तो इसमें हर अमल का सवाब 70 गुना हो जाता है। तो इसमें आप एक अमल करेंगे तो उसका आपको सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर जो भी मतलब आपको खाने आप मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं A to Z, मतलब जो भी अच्छे खाने प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ पर, ऐसे आपको यहाँ पर खाने प्रोवाइड किए जाते हैं जो 5-star और 7-star होटल में होते हैं, जो मतलब हमारे जैसे आवाम मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ। और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ गरीब और नादान लोग आ सकेंगे, मतलब ये ज़कात का, सदका का, खैरात के मतलब उन पर से अफ्तारी नहीं कराई जाती, बल्कि जो मुखय्यर हज़रात जिनके पास पैसा है वो लोग ये अफ्तारी करवाते हैं, ताकि जो लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह के खाने वो यहाँ पर आएँ और अपनी फैमिली के साथ मज़ेदार और लजीज खाने इन्जॉय। तो वेलकम बैक गाइस, तो अभी हमने अफ्तारी कर ली है, मतलब अफ्तारी कर ली है, ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया और बाकी जो हमने घर पे भी जाके तो खाना है ना, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई हमारा बेटा आएगा अफ्तारी करेगा, घर वालों को तो पता नहीं कि मैंने यहाँ पे खाई है लेकिन कम ही खाई है। तो गाइस यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत उसमें बेहतरी आनी चाहिए यार। सुबह के टाइम तो आई होप कि मतलब बेहतरीन होता है जब जफर भाई होता है, लेकिन अभी मतलब इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी अच्छी थी और अच्छी हो सकती है। बाकी आप लोग भी आएँ, इन्जॉय करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ, बहुत से लोग आते हैं, मैं भी आया हूँ आज अपने दोस्तों यारों के साथ, तो मुझे अच्छा लगा पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस हूँ तो मुझे अच्छा लगा, आप लोग भी आएँ, इन्जॉय करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।